क्योंकि 5-6 महीने हो गए, अब तक CIT चार्जशीट नहीं लगी, मुलजिम पकड़ा नहीं गया और मेरा बेटा आज तक वापस ना आया, हमें कोई न्याय नहीं मिली। तब परेशानी के मुश्किल के सियार में हम यहाँ आकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में आए हैं और अपना प्रार्थना पत्र देने को आए हैं, शायद हमें उसका न्याय मिल जाए हमें और हमारे बेटे का तलाश हो जाए। हमारा दुख दूर करी है, लड़का नाती मारा जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और गाँव लोग गाँव सब दारू पी रहा है क्या उनका गाड़ी गुप्ता दिया था, बहुत समस्या है। 10,000 रुपये मैंने रिश्वत के भी दिए, उन्होंने कहा 50,000 रुपये लेंगे, मैंने 10,000 रुपये दिए, कागज़ भी असली जमा कर दिए। उन्होंने आज तक 2 सालें हो गई, उन्होंने नॉन AC गाड़ी नहीं की, आज तक मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है 2-2.5 साल 2019 से। जहाँ भी जाएँ पैसे की मांग की जाती है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख रुपये मांग रहा है। अब क्या करें, गरीब आदमी है, छोटी छोटी बच्ची हैं, लड़का मर गया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भले ही गांव गरीब की समस्याओं को निपटाने के लिए जिला स्तर पर पैनल बनाए हैं, जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हाल में सुबह से लेकर और दोपहर तक अपने कार्यालय में बैठेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और जनता की समस्याओं का निदान करेंगे। इसको लेकर 2 महत्वपूर्ण प्रोग्राम भी चल रहे हैं, एक तहसील दिवस, दूसरा थाना समाधान दिवस। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं और अलग अलग जनपदों से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहाँ योगी सरकार का दरबार लगता है और योगी बाबा वहाँ स्वयं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और निदान करते हैं। लेकिन सवाल एक यह भी उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो उनके प्रशासनिक व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था के लोग हैं, वह लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो यह लोग जिलों से राजधानी तक क्यों आ रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से कुछ लोग आए हैं जो कि जनता दरबार में आए हैं और मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है और इन लोगों की समस्याओं का निदान जब जिला स्तर पर नहीं हुआ तब यह लोग राजधानी तक आए। आखिर समस्याएं क्या हैं इन लोगों की और किस उम्मीद के साथ यह योगी जी के पास आए हैं? जी कहाँ से आए हैं दादा? बहराइच जिला से। क्या समस्या है आप? बिटिया के घर फूंक दी नहीं है। कितने दिन पहले? हो गए लगभग 1.5 महीना हो गया, 24 तारीख के रहा हाल। अच्छा, मुकदमा लिखा गया इस मामले में? मुकदमा लिखा गया लेकिन हम पढ़े ना, हमका मालूम कुछ नहीं, ना पकड़े धकड़े नहीं किया हुई। अच्छा, आपका कहना है कार्रवाई कोई नहीं हुई? हाँ, कार्रवाई भी नहीं। बस साहब से जाए थे, कहा था अरे जाओ सब बवाल है, सब बवाल का साहब बरीगा घर देखो कि नहीं बरीगा है, तो कहते हैं ठीक है, तो बहुत मुकदमाबाज हो। अच्छा, आज आप उत्तर प्रदेश के CM योगी जी के दरबार में आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद यहाँ लेके आए कि साहब हमारा दुख सुन लिया है, हमारा दुख दूर करी है, लड़का नाती मारा जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और गांव लोग गाँव सब दारू पी रहा है क्या उनका गाड़ी गुप्ता दिया था, बहुत समस्या है। सास ससुर को का रुपया पैसा दे के दारू शराब पियाई किए और बिटिया घर फुकाए दी नहीं है, बहुत सख्ती है। वो कहा था कहाँ फांसी लगा ली, कहाँ भाग जाता, हमका बच्चा भागो ना, चलो मुख्यमंत्री के पास पेश हो और वहाँ से कल्याण हो ही कुछ। इनका कहना है कि जिले पर भी गए थे, CO के पास गए जो संबंधित CO रहा होगा, अपनी समस्याएं भी बताई लेकिन टालने के अलावा कुछ भी नहीं। ईमानदारी से, निष्पक्षता से प्रशासन कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा। सरकार की फजीयत कराने की जिम्मेदारी ले रखी है उनके चंद ठेकेदारों ने जो कि जिलों पर बैठे हैं और लोग परेशान हैं, लोग दौड़ के राजधानी तक आ रहे हैं लेकिन जिला स्तरीय अधिकारियों के जू तक नहीं रेंग रही। आपकी क्या समस्या है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद में हूँ। जी, समस्या क्या है आपकी? जिला कासगंज, सामने देखिए, इधर देखिए, सोरों नगला भूतन जी, वहाँ से आया हूँ। समस्या क्या है? मेरे लड़के का मर्डर हो गया। कितने दिन पहले? आज 20 दिन हो गए जी। मतलब कहीं पुलिस में जाते हैं, थाना में, चौकी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और जहाँ भी जाएं पैसे की मांग की जाती है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख रुपये मांग रहा है। अब क्या करें, गरीब आदमी है, छोटी छोटी बच्ची हैं, लड़का मर गया, अब इनके लिए कौन खिलाएगा, हम बूढ़े हो गए, बोलो क्या करें। अच्छा, आज आप चूँकि योगी सरकार के दरबार में आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद लेके आए हैं सर कि हमारा कोई समस्या का समाधान हो, हमारा कुछ तो होना चाहिए और सुबह से पड़े हुए हैं, अभी तो काम भी नहीं हुआ है कुछ। इनका कहना है मिलने तो आए थे, सुबह से यहाँ बैठे भी हैं लेकिन शायद इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या समस्या है दादा, किस लिए आए हैं? मोहम्मद इस्माइल, शाहजहाँपुर से आया हूँ। मेरे बेटे को ट्रक ड्राइवर मेरा था और गाड़ी मालिक ने उसे 11 महीने पहले ले जाकर के उसका अपहरण कर करके उसकी हत्या कर दी, जिसके विरुद्ध में मैंने शाहजहाँपुर ज़िले में थाना सदर को, जिलाधिकारी महोदय को, CO को, मैंने सबको अपने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया। लेकिन हमारी कोई 4-5 महीने के बाद में मेरी FIR दर्ज, जब कोर्ट में मैं सीजम कोर्ट में गया तो मेरी FIR दर्ज हुई, 5-6 महीने हो गए, अब तक CIT चार्जशीट नहीं लगी, मुलजिम पकड़ा नहीं गया और मेरा बेटा आज तक वापस नहीं आया, हमें कोई न्याय नहीं मिली। तब परेशानी के मुश्किल के सियार में हम यहाँ आकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में आए हैं और अपना प्रार्थना पत्र देने को आए हैं, शायद हमें उसका न्याय मिल जाए हमें और हमारे बेटे का तलाश हो जाए। योगी जी कह रहे हैं कि ज़िले पर मैंने व्यवस्था दे रखी है, वहाँ प्रशासन के लोग जो है पूरा दिन बैठते हैं, लोगों का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, फिर ऐसे हालात क्यों? जी हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी। मैं आज 11 महीने से परेशान हूँ। मेरा एक ही बेटा था जो मेरा रोजी रोटी का सहारा था, वो चला गया। 3 कन्या है, वो भी कुमारी है। मैं बुढ़ापे शरीर में मुझे कौन रोटी देगा? मैं तो बिल्कुल लाचार परेशान हूँ, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। यह दर्द है लोगों का। लोग सरकार लाख चाहे कि ज़िले पर बैठा प्रशासन ईमानदारी से काम करे और लोगों की समस्याओं का निदान, लेकिन समस्याएं आपके सामने। हमारे साथ अन्य महिला भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या समस्याएं, कहाँ से आए आप? जिला लखीमपुर खेरी से, सिसोरा नासर से, तहसील मोहम्मदी। मेरी समस्या ये है, ये गाड़ी जो थी मैंने ट्रांसफ़र कराई थी वहाँ ITO साहब से, ITO ऑफिस में। वहाँ उन्होंने कहा इसमें निशाने AC के ये पास कर दी और आप 2 महीने बाद आना, 1 महीने बाद इसको निशान हटवा के। मैंने वो निशान हटवा के मैं गाड़ी लेकर के गई। 10,000 रुपये मैंने रिश्वत के भी दिए। उन्होंने कहा 50,000 रुपये लेंगे। मैंने 10,000 रुपये दिए, कागज़ भी असली जमा कर दिए। उन्होंने आज तक 2 सालें हो गई, उन्होंने नॉन AC गाड़ी नहीं की। आज तक मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है 2-2.5 साल, 2019 से आज तक गाड़ी खड़ी। कभी त्यौहार में निकाल ली, नहीं तो नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी लड़कियाँ हैं, 4 आदमी है नहीं, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये सब कहीं दौड़ती घूमती हूँ 10वीं बार मैं आज आप सरकार के पास आई हैं, योगी सरकार के दरबार में क्या क्या? मैं बहुत बार, मुझे उम्मीद है ये मेरी नॉन AC का टैक्स किया जाए। जो इन लोगों ने ITO ऑफिस में जो इन लोगों ने किया है मेरे साथ, ये बहुत गलत किया है। मुझे अन्याय मिलना चाहिए। मैं सब कहीं बहुत दौड़ चुकी हूँ, मुझे कोई कहीं कुछ वो नहीं मिल रहा है। मेरे जो मेरा जो बीमा मैंने कराया, सब कुछ कराया, मैंने गाड़ी रोड पर नहीं चला पाई। 30 त्यौहार में ज़बरदस्ती से निकाली 1-8 बार, वो भी चालान कर दिए और लोगों ने वो तो पकड़ी जाती है, फिर चालान कर दिए। मैंने खड़ी कर दी गाड़ी, आज तक पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। इनकी समस्या है परिवहन विभाग से जुड़ी हुई। अगर परिवहन विभाग की बात करें, मैं यह नहीं कहता कि 100% लोग बेईमान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की अगर बात कर ली जाए, परिवहन विभाग और RTO कार्यालय जो हैं, अगर ईमानदारी और निष्पक्षता से सरकार जाँच करा ले तो वहाँ दलालों का डेरा रहता है और इन लोगों को इसी तरह ठगा जाता है। इनका कहना है पैसा भी ली, घूस भी ली, उसके बावजूद इनका काम नहीं हुआ। आज यह योगी जी के दरबार में आई है अपनी समस्या को लेकर, एक विश्वास के साथ कि इनको न्याय मिलेगा। देखना यह होगा कि योगी सरकार में, जहां उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं, या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह लोग योगी जी के दरवाजे पर टिके हुए हैं और उनसे अपनी लगातार मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, लखनऊ।